नौकरम ने कैलाश के सामने दो रास्ते रखे थे। दोनों ही हालातों में कैलाश को कहीं ना कहीं अपनी पावर्स का सहारा लेना पड़ेगा। अब कैलाश को तय करना था कि वो अपनी शक्तियों को कब यूज करे। अभी शुरू में ही उनकी बदौलत कैलाश ओली में चुपचाप प्रवेश कर ले, जिससे उसे कुछ घंटों या दिनों की मोहलत मिल जाए, या फिर वो शक्तियों का इस्तेमाल किए बिना ओली में एंटर करने की कोशिश करे। ऐसा करने में अगर कैलाश सफल हो जाता है तो उसे आगे पकड़े जाने की कोई भी चिंता नहीं होगी और वो जितना चाहे उतना समय ले सकता है अमीराज से मिलने में। पर अगर उसे बॉर्डर क्रॉस करते देख लिया जाता है, जिसके आसार काफी थे, तब ऐसी सिचुएशन में कैलाश को मजबूरन अपनी पावर्स यूज करनी पड़ेंगी और ऐसे में कैलाश के पीछे ओली की फोर्स लगा दी जाएगी। ऊंचे पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर बैठा कैलाश यह तय नहीं कर पा रहा था कि वो आगे क्या करे, वो किस तरह ओली में घुसे। शाम हो चुकी थी। कैलाश पिछले कई घंटों से पेड़ पर ही बैठा सोच में डूबा हुआ था। अब कुछ ही समय में शाम ढल जाएगी और रात का अंधेरा छा जाएगा। कैलाश को जो भी करना है उसे तय करके अंजाम तक पहुंचाने के लिए कुछ ही घंटे मिलेंगे। ठंड काफी बढ़ गई थी और अब कैलाश को भी परेशान करने लगी थी। पेड़ पर बैठकर कैलाश को एहसास होता है कि ऊपर हवा तेज चल रही थी जमीन के मुकाबले। कैलाश को अपने डैड की कही बात याद आ जाती है। कैलाश से उन्होंने एक दिन बातों बातों में कहा था, कैलाश हवाएं भी बिना किसी अवरोध के तेज चल सकती हैं, पर जहां भी उनके बहाव में गतिरोध पैदा हो जाता है वो धीमी हो जाती हैं। वैसे ही इंसान और हम सभी होते हैं। उस वक्त कैलाश की उम्र कम नहीं थी और कैलाश को अपने डैड का कहा हर एक शब्द याद है। कैलाश को कुछ बात समझ नहीं आई थी और उसने अपने डैड से कहा था, इसका क्या मतलब है डैड? तब दक्ष ने कहा था, कैलाश रास्ते में कठिनाइयां आने पर इंसान भी अपने रास्ते आसानी से बदल लेता है। इससे ना सिर्फ उनकी उन्नति की गति धीमी होती है, पर कई बार ऐसा भी होता है कि वो अपने ध्येय से ही भटक जाता है। हवाओं की ही तरह असली योद्धा वो है जो किसी भी परेशानियों से न डरता हो और अपने पहले से तय किए रास्ते पर ही डटा रहता है। कैलाश को अपनी दुविधा का समाधान मिल गया था। उसे पता था कि आगे क्या करना है। कैलाश अपने पहले से तय किए हुए प्लान पर ही बना रहेगा। वो कोशिश करेगा कि बिना शक्तियों के इस्तेमाल के ही वो ओली में एंटर करे, और अगर ऐसा करने में कैलाश फेल भी हो जाता है तो भी उसके पास कम ही सही पर कुछ समय जरूर रहेगा। कैलाश ने तय कर लिया था कि वो अंधेरा होते ही पेड़ से नीचे उतरकर आम इंसान की ही तरह बॉर्डर क्रॉस करेगा। रात का अंधेरा छा चुका था। घने जंगलों से होता हुआ कैलाश फिर उसी जगह पर पहुंच गया था जहां उस पर गोली चलाई गई थी। इस बार कैलाश बहुत ही चौकन्ना था और वो उस जगह से रेंगता हुआ अपने आप को दूर कर लेता है और झाड़ियों के एक बड़े से गुच्छे में जाकर छिप जाता है। उसकी बॉडी को सामने खड़ा सैनिक भी नहीं पहचान सकता था। कैलाश ने ऐसा कैमोफ्लाज कर रखा था। नपी तुली सांसें लेते हुए कैलाश की बॉडी किसी निर्जीव पौधे की तरह बन गई थी। कैलाश देखता है चार सैनिकों की टुकड़ी गश्त लगाती हुई वहां आ जाती है। रात के अंधेरे में वो सभी दिन की भांति अलर्ट और तत्पर लगने के बजाय थोड़े बेपरवाह दिख रहे थे। उन सभी की हंसी और ठहाकों की आवाजें सुनाई दे रही थी। कैलाश अपनी जगह पर बना हुआ था और बस उन चारों के जाने का इंतजार कर रहा था। कुछ ही देर में वो सैनिक वहां से आगे बढ़ जाते हैं, जिससे कैलाश को भी समय मिलता है और वो तुरंत जमीन पर रेंगता हुआ तार की फेंसिंग को क्रॉस कर लेता है। अब कैलाश के लिए छुपने का कोई भी साधन नहीं था। फेंसिंग से लगे सभी पेड़ों को
काट दिया गया था और अब कैलाश अपने सामने एक बड़ा सा मैदान देखता है जहां छुपे रहना बड़ा ही मुश्किल काम था। कुछ कुछ दूरी पर बने ऊंचे वॉच टावर से लाइट्स के जरिए उस मैदान पर निगरानी रखी जा रही थी। कैलाश को खुद को ना सिर्फ उन सैनिकों से बचाना था बल्कि उन लाइट्स के दायरे से भी बचना था। दोनों ही स्थिति में कैलाश का प्लान फेल हो सकता था। इससे पहले कि कैलाश हड़बड़ी में आगे बढ़े वो लाइट्स के मूवमेंट का पैटर्न समझता है। 3-4 बार उन फ्लड लाइट्स के कंप्लीट मूवमेंट देखने के बाद कैलाश ने अपना रास्ता चुन लिया था। कैलाश को सामने ठीक वैसी ही घनी झाड़ियां दिख रही थी जिसे वो पीछे छोड़ के आया था। उसे भागते हुए वहां तक पहुंचना होगा और जो तय समय था उसी के अंदर अंदर कैलाश को तेजी से सामने दिख रही झाड़ियों की तरफ भागना था। मैदान की चौड़ाई काफी थी और कैलाश अपने आप को लाइट से बचाता हुआ जी तोड़ भागता है। लंबी दूरी तक भागने के बाद कैलाश जैसे तैसे उन झाड़ियों में जाकर मिल जाता है। कैलाश देखता है कि उसके आगे अब झाड़ियां जंगल से मिल रही थी। कैलाश समझता है कि शायद उसने बॉर्डर क्रॉस कर लिया था। कैलाश ने बिना किसी की नजर में आए ओली में एंटर कर लिया था, पर कैलाश के चेहरे पर इस एहसास की खुशी ज्यादा देर तक नहीं रह पाती है। कैलाश देखता है कि अभी आगे उसे और भी बाधाएं लांघनी होगी। सैनिकों की गश्त इधर भी लगातार हो रही थी। पीछे जिसे कैलाश ने पार किया था वो पहला डिफेंस पैरामीटर था। कैलाश सोचता है कि आगे ना जाने कितने और चैलेंजेस होंगे। खैर, अब मैदान क्रॉस करने के बाद कैलाश के पास एक आत्मविश्वास आ चुका था और वो सही समय देखकर आगे बढ़ता है। इस बार घनी झाड़ियों के साथ पेड़ भी उसे छुपा पाने में सहारा दे रहे थे। कैलाश इसलिए अपने घुटनों के बल आगे बढ़ रहा था। चप्पे चप्पे में उसे गार्ड्स गन के साथ तैनात दिखाई दे रहे थे जिनसे अब कैलाश बखूबी बचता हुआ आगे बढ़ जाता है। रात का अंधेरा ज्यादा समय तक नहीं रहने वाला था। कैलाश नौकरम से पूछता है, और कितनी दूर ऐसे चलना होगा? नौकरम बताता है, कैलाश एक और बाधा बाकी है, उसके बाद तुम सेफ हो जाओगे, पर ध्यान रहे यह एडवांस प्रोटेक्शन है, तुम्हें चौकन्ना रहने की जरूरत है। कैलाश आगे बढ़ते हुए कहता है, हाँ चौकन्ना तो मैं हूं ही। जैसे जैसे कैलाश आगे बढ़ता जा रहा था उसका छुपना उतना ही मुश्किल हो रहा था। सैनिकों की गिनती भी बढ़ती जा रही थी। कैलाश को एकदम से पीछे हटना पड़ता है क्योंकि अभी अभी जो टुकड़ी वहां से गुजरी थी उसका एक गार्ड वापस आ जाता है और कैलाश के ही पास आकर खड़ा होकर वो इधर उधर देखने लगता है जैसे उसे किसी चीज के हिलने की आवाज आई हो। सडनली अलर्ट हुआ वो गार्ड ये नहीं जानता था कि उसके कदमों के कुछ ही दूर आगे एक शख्स छुपा बैठा था। सैनिक अब भी अंधेरे में आंखें गड़ाए देख रहा था। कैलाश ने अपनी सांसें रोक ली थी। उसकी बॉडी में सूत मात्र भी मूवमेंट नहीं हो रही थी। इसके बावजूद कैलाश देखता है कि उस सैनिक ने वो देख लिया था जिसे वो ढूंढ रहा था। उस सैनिक के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और वो आगे कैलाश की ओर बढ़ता है। कैलाश भी उस सैनिक को बेहोश करके आगे भागने के लिए पूरी तरह से तैयार था। सैनिक कैलाश के पास आता तो है पर उसके पैर कैलाश के पास रुकते नहीं हैं। जैसे ही वो सैनिक कैलाश को छोड़कर उससे आगे बढ़ जाता है कैलाश अपनी रुकी हुई सांसें छोड़ता है। उसने कैलाश को अब तक नहीं देखा था। अगर उसने कैलाश को नहीं देखा था तो फिर उस सैनिक ने क्या देखा था? कैलाश मुड़कर देखता है, उस सैनिक ने अपने शिकार को पकड़ लिया था, एक छोटी बच्ची जो शायद संभाला से ओली में एंटर करना चाहती थी। उसे उस सैनिक ने देख लिया था। अब वो लड़की अपने आप को उस सैनिक की पकड़ से
छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। ये देखकर कैलाश का दिल बैठ जाता है और थोड़ी ही देर में कैलाश देखता है कि वो बच्ची अकेली नहीं थी। उसे बचाने के लिए अब उसकी माँ सामने आ जाती है और उस सैनिक से भिड़ जाती है। माँ को देखते ही सैनिक और भी अग्रेसिव हो जाता है। अब वो उन दोनों को बेरहमी से मारने लगता है। कैलाश की आंखों के सामने वो लाचार माँ बेटी शिथिल जमीन पर पड़े दर्द के मारे कराह रहे थे। सैनिक ने अब अपनी गन हाथ में ले ली थी। अपनी नजर इधर उधर फेरता हुआ वो सैनिक अपनी गन दोनों पर तान देता है। कैलाश अपने रहते ऐसा होता नहीं देख सकता था। कैलाश उस सैनिक की तरफ दौड़ जाता है और इसके पहले कि उसकी उंगली ट्रिगर पर जाती, कैलाश ने उस सैनिक के गले को अपने एक हाथ से दबा लिया था। उसके हाथ अब किसी अजगर की तरह अपने शिकार को जकड़ने लगे थे। सैनिक के हाथ की गन भी कैलाश ने अपने दूसरे हाथ से छीन ली थी और उसे दूर फेंक दिया था। उस आदमी के पीछे खड़े होकर कैलाश ने उसकी सांस की नली दबा रखी थी। छटपटाता हुआ वो सैनिक अपने हाथ पैर जोर जोर से चलाता है, पर उसकी हर कोशिश को कैलाश नाकाम करता हुआ अपनी पकड़ और मजबूत कर देता है। थोड़ी ही देर में वो सैनिक बेहोश हो जाता है और उसकी बॉडी ढीली होकर कैलाश के हाथों में ही लटक सी जाती है। दोनों माँ बेटी ने अपनी आंखों के सामने कैलाश को उस सैनिक को मारते देखा था, इसीलिए अब वो कैलाश से दूरी बना लेती हैं। तभी कैलाश उनसे कहता है, इसके साथ ही यहाँ किसी भी वक्त आ जाएंगे, आगे बढ़ना होगा। ऐसा कहता हुआ कैलाश वहां से आगे बढ़ जाता है। छोटी सी बच्ची डरी हुई आंखों से अपनी माँ की तरफ देखती है और माँ भी अपनी बेटी को समेटते हुए कैलाश के पीछे पीछे चलने लगती है। तीनों की आंखें चौकन्नी थी और अब उन्हें पता था कि जितना भी सफर बाकी है उन्हें भागते हुए पूरा करना होगा। बेहोश सैनिक ने कैलाश को देखा नहीं था। इस बार कैलाश ने अपनी शक्ति के बिना एक आदमी को आसानी से ध्वस्त कर दिया था। कैलाश को इस बात की तसल्ली थी, पर अब कैलाश के सामने एक ही ध्येय था और वो था जल्द से जल्द ओली में एंटर करना। अचानक तेजी से भागते हुए कैलाश को नौकरम की आवाज सुनाई देती है, कैलाश तुम इसी वक्त भागना बंद कर दो। कैलाश नौकरम की बात सुनते ही रुक जाता है और सामने देखने की कोशिश करता है, यह सोचते हुए कि आखिर नौकरम ने उसे सडनली रुकने के लिए क्यों कहा। कैलाश के ठीक पीछे भाग रही दोनों माँ बेटी भी कैलाश को रुकता देखकर डर से उसके पीछे ही रुक जाती है। दोनों इतनी डरी हुई थी कि माँ ने अपनी बेटी को कस के गले लगा रखा था। दोनों की सांसें फूली हुई थी और वो असमंजस से कैलाश को देख रही थी और कैलाश भी अपने सामने कुछ देख नहीं पा रहा था। कैलाश से बच्ची की माँ कहती है, आप यहाँ क्यों रुक गए, वो सब कभी भी पीछे से आते होंगे। कैलाश पीछे की ओर देखता है, अभी पीछे से उन सैनिकों के आने के आसार नहीं दिख रहे थे। कैलाश जवाब नहीं देता, पर वो नौकरम से पूछता है, क्या हुआ, यहाँ बीच रास्ते में रुकने को क्यों कहा, पीछे से कभी भी फोर्स आ सकती है। माँ बेटी को समझ नहीं आ रहा था कि उनको बचाने वाला अचानक रुक क्यों गया था और अब कोई जवाब भी नहीं दे रहा था। माँ की चिंता बढ़ती जा रही थी। तभी कैलाश को नौकरम बताता है, कैलाश तुम्हारे कुछ ही फीट सामने एक इनविजिबल डेडली रक्षा कवच है, इसके छूते ही तुम कई भागों में कट सकते हो, इसे ऐसे ही चलकर पार नहीं किया जा सकता, जब तक ये बंद नहीं होगा तब तक तुम आगे नहीं बढ़ सकोगे। क्या था ये रक्षा कवच और कितना खतरनाक था? क्या कैलाश खुद को और उन माँ बेटी को उस रक्षा कवच से बचा पाएगा? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए जुड़े रहिए पॉकेट एफएम के साथ।
नौकरम ने कैलाश को आगे बढ़ने से रोक दिया था। उसने बताया था कि कैलाश के सामने एक रक्षा कवच बना हुआ था जिसे छूते ही वो कट सकता था। कैलाश को विश्वास नहीं होता है। कैलाश नौकरम से कहता है, पर मुझे मेरी आंखों के सामने कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, कहाँ है वो रक्षा कवच? नौकरम कहता है, तुम अपने सामने कुछ भी फेंक के देख सकते हो। कैलाश रात के अंधेरे में अपनी नजरें जमीन पर फेरता है। वही दोनों माँ बेटी अभी भी कैलाश को ही देख रहे थे। कैलाश दो कदम साइड में होता है और झुककर कुछ उठाता है। माँ देखती है कि कैलाश के हाथ में एक पेड़ की मोटी सी डाल थी जिसकी लंबाई लगभग 3 फीट से कुछ ज्यादा होगी। माँ बहुत ही ज्यादा घबराई हुई थी और डर रही थी कि कहीं फिर से सैनिक उनका पीछा करते हुए आ ना जाएं। वो कैलाश से कहती है, आप रुक क्यों गए, आगे चलिए। माँ के शब्दों में हड़बड़ाहट साफ थी। कैलाश बच्ची की माँ को देखता है और फिर जोर से उस लकड़ी को सामने फेंक देता है। पेड़ की वो सूखी डाल हवा में काफी दूर जाती हुई दिखती है और सडनली नौकरम की बताई इनविजिबल प्रोटेक्टिव वॉल से टकराती है और तभी तीनों को अपने सामने लाल लेजर लाइट का एक बहुत ही बड़ा जाल दिखाई पड़ता है। उस फेंकी हुई लकड़ी के नौकरम के कहे अनुसार कई टुकड़े हो चुके थे और इसके पहले कि वो टुकड़े जमीन पर गिर पाते उनमें आग लग चुकी थी। कैलाश दोबारा मुड़कर अपने नए साथियों की ओर देखता है। दोनों के मन का शौक उनकी आंखों में देखा जा सकता था। नौकरम ने कैलाश और माँ बेटी की जान तो बचा ली थी, पर अब उनके सामने एक नई मुसीबत खड़ी हो गई थी। लकड़ी के टकराते ही ना सिर्फ वो लेजर लाइट अचानक दिखने लगी थी, पर साथ ही एक अलर्ट सायरन भी बजने लगा था। सायरन की आवाज सुनते ही कैलाश वापस आकर माँ बेटी के साथ छुपकर बैठ जाता है और हर तरफ अपनी नजरें घुमाता हुआ कहता है, हमें इस जगह से दूर जाना होगा, सारे सैनिक अब यहाँ आते होंगे। ज्यादा समय नहीं गुजरता है और कैलाश का अंदेशा बिल्कुल सही साबित होता है। कुछ ही देर में वहाँ 20-25 सैनिक हथियारों से लैस पूरे एरिया की छानबीन करने लगते हैं। कैलाश और उसके साथी जैसे तैसे झाड़ियों में छुपे हुए थे। कैलाश के मन में नौकरम की कही बात आती है, कैलाश चल के इस वॉल को क्रॉस नहीं किया जा सकता। कैलाश सोच रहा था कि अब शायद उसे उसकी शक्तियां एक्टिवेट करनी ही पड़ेंगी, वरना इतनी ऊंची लेजर वॉल को वो बिना पावर यूज करे क्रॉस नहीं कर पाएगा। फिर कैलाश की नजर माँ बेटी पर जाती है। कैलाश खुद को तो बचा सकता था, पर उन सैनिकों के हाथों यह दोनों बेचारी मारी जाने वाली थी। कैलाश के सामने बहुत बड़ी दुविधा थी। अंगीरा और ओली को बचाने के लिए शायद आज कैलाश को अपना दिल कठोर करना पड़ेगा। उन बेबस और असहाय माँ बेटी को वहीं बेसहारा छोड़कर जाने के अलावा कैलाश के सामने और कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। दोनों की आंखें कैलाश को ही देख रही थी। कैलाश को आश्चर्य था कि उन दोनों ने आखिर इतनी दूर अकेले आने की हिम्मत कैसे कर ली थी और जहां उन्हें कैलाश मिला था उनका वहां तक भी आना किसी अजूबे से कम नहीं था। यहां से कैलाश को जल्द ही अकेले आगे बढ़ना होगा क्योंकि उसने एक सैनिक को उनकी ओर बढ़ते हुए देख लिया था जिसकी नजर से उनका बच पाना मुश्किल था। कैलाश दुखी होकर माँ से कहता है, मुझे माफ कर देना, मुझे जाना होगा, मैं इसके आगे तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, हजारों की जिंदगी का सवाल है। बेहद डरी हुई वो माँ कैलाश का हाथ पकड़ लेती है और भीख मांगते हुए कहती है, प्लीज प्लीज आप हमें बचा लीजिए प्लीज। ऐसा कहकर वो माँ अपने रोने की आवाज दबाने की कोशिश कर रही थी। कैलाश कहता है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे जाना होगा। कैलाश देखता है
कि वो सैनिक उनकी ही तरफ आ रहा था और उसके पीछे और भी गार्ड्स उसे फॉलो करते हुए चल रहे थे। माँ बेटी की सांसें रुक सी गई थी। कैलाश का हाथ माँ ने अभी भी जकड़ रखा था। वो कैलाश से डेस्परेटली कहती है, मुझे नहीं तो आप मेरी बेटी को बॉर्डर क्रॉस करा दीजिए, मैं अपनी जान गंवाने के लिए तैयार हूँ। प्लीज 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 मेरी बात मान लीजिए, मैं उनका ध्यान भटकाने के लिए यहाँ से दूर भागती हूँ। उनकी नजर मुझ पर पड़ेगी और वो मेरे पीछे भागेंगे। आपको मौका मिल जाएगा और आप मेरी बेटी को ओली ले जा सकेंगे। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मैं मरने के लिए तैयार हूँ, पर मेरी बेटी को बचा लीजिए। माँ का अपनी बेटी के लिए प्यार देखकर कैलाश की आंखों में पानी भर आता है। वो उस महिला को समझाते हुए कहता है, देखिए मेरे पास समय नहीं है, आपने उस वॉल को देख लिया है, जब तक वो बंद नहीं होगी कोई भी उसके आगे नहीं जा सकता, यह नामुमकिन है। शायद मैं आपकी बेटी को ना बचा पाऊं। मेरा सुझाव है कि आप अभी भी वापस संभाला जा सकती हैं, उजाला होने में अभी भी कुछ समय बाकी है, आप अपनी और अपनी बेटी की भी जान बचा लेंगी। इस पर माँ बोलती है, मैं अब ऐसा नहीं कर सकती, इस बच्ची के पिता मेरे पति की जान जा चुकी है। कल रात हम तीनों साथ निकले थे, हमें बचाने के लिए उन्होंने अपनी जान दे दी, वो इन सैनिकों की गोली से मारे गए। अब मुझे मेरी बेटी को ओली पहुंचाना ही है, चाहे फिर मैं ही क्यों ना मर जाऊं। कैलाश देखता है कि सैनिक और भी पास आ गए थे, बस अंधेरे ने उन्हें उनकी नजरों से बचा रखा था। और उन सैनिकों के बढ़ते कदमों के साथ खतरा उनकी ही तरफ बढ़ता जा रहा था। कैलाश को समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। कैलाश तय करता है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, वो उन दोनों को मरने नहीं दे सकता। अब इसके लिए चाहे उसे सप्तम जैसा युद्ध ही क्यों ना छेड़ना पड़े। बच्ची की माँ कैलाश को देख के शॉक्ड हो जाती है जब वो उसे अपनी शक्तियां एक्टिवेट करते हुए देखती है। उसकी बेटी भी डरकर अपनी माँ से लिपट जाती है। आखिरकार कैलाश को अपनी पावर्स यूज करनी ही पड़ेंगी। इधर वो सैनिक जिसे कैलाश ने घायल कर बेहोश छोड़ दिया था, उसे देख लिया जाता है और वायरलेस पर तुरंत मैसेज रिले कर दिया जाता है। साथ ही साथ उसे देख रहे गार्ड्स अपने आसपास के साथियों को बुलाने के लिए विसल का यूज करते हैं। पूरा माहौल कोलाहल से भर जाता है। तेज बज रहे सायरन की आवाज के बीच पूरे एरिया में गश्त लगाते सैनिकों को विसल की गूंज सुनाई दे रही थी। इधर कैलाश की पावर्स एक्टिवेट हो चुकी थी और सैनिक भी बेहद करीब आ चुके थे, इतने करीब कि उनकी मौत अब पक्की थी। पर उसी वक्त पीछे से उन्हें पुकारा जाता है और उनका ऑफिसर आवाज लगाते हुए कहता है, सबके सब इधर आओ, पीछे जंगल में एक गार्ड घायल पड़ा है, उसे हॉस्पिटल ले जाना होगा। सैनिक वापस अपने साथी को देखने चले जाते हैं। कैलाश राहत की सांस लेता है और पीछे मुड़कर माँ बेटी के घबराए चेहरों की तरफ देखता है। उनकी घबराहट देखकर कैलाश कहता है, डरने की जरूरत नहीं है, खतरा टल गया है, पर अभी भी मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि हम आगे कैसे बढ़ें। कैलाश की बातें माँ के कानों में जा ही नहीं रही थी। वो अपना शॉक्ड सा चेहरा लिए कैलाश से पूछती है, आप कौन हैं? कैलाश कहता है, बेटी मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। कैलाश अभी भी अपने बूढ़े के गेटअप में ही था, उसे पहचाना नहीं जा सकता था और कैलाश ने अपनी पहचान उन माँ बेटी से छिपाना भी बेहतर समझा था। कैलाश के कहने का असर होता है और थोड़ी देर में दोनों शांत हो जाते हैं। इधर उस घायल सैनिक को डॉक्टर चेक करता है और कहता है, इसके दिमाग में शायद काफी देर तक ऑक्सीजन नहीं गई है, बेहोश तो है पर पता नहीं ये कितनी देर बिना ऑक्सीजन के था, शायद इसका गला घोटने की कोशिश की गई है। सामने खड़ा ऑफिसर गुस्से में अपने पैर जमीन पर मारता हुआ कहता है, हर रोज कोई ना कोई अटैक हो रहा है,
पता नहीं महाराज कब संभाला पर अटैक करने का ऑर्डर पास करेंगे और कितने गार्ड्स की जान खतरे में डालना चाहते हैं। उस ऑफिसर की फ्रस्ट्रेशन साफ दिख रही थी। वो आगे ऑर्डर्स देता हुआ कहता है, गाड़ी लेकर जाओ और ढूंढो उसे जिसने यहां तक आने की हिम्मत की है। ऑफिसर का ऑर्डर तुरंत फॉलो किया जाता है और उस घायल सैनिक को गाड़ी में डालकर हॉस्पिटल के लिए लेकर जाया जाता है। ऐसा करने के लिए पहले उन्हें कुछ देर के लिए ही सही उस प्रोटेक्टिव वॉल को बंद करना पड़ता है, जिसके बंद होते ही वो गाड़ी उस वॉल को क्रॉस कर हॉस्पिटल की ओर बढ़ जाती है। और वही समय होता है जब कैलाश भी उन माँ बेटी के साथ सुरक्षित ओली की सीमा क्रॉस कर जाता है। माँ बेटी का दुख खत्म तो नहीं हो सकता था, उन्होंने यहाँ पहुंचने के लिए घर के रक्षक को खो दिया था। कैलाश बच्ची की माँ से पूछता है, अब आप सेफ हैं, पर आगे आप इस बच्ची के साथ कैसे मैनेज करेंगी? वो औरत बताती है, हम यहाँ से कुछ दूर चलने के बाद शायद रोड तक पहुँच जाएंगे, उसके बाद कैसे भी करके शहर जाना होगा मुझे। शादी से पहले मेरा घर ओली में ही था। कुछ साल पहले जब सब ठीक था, मेरी शादी संभाला में हुई और मैं ओली से संभाला चली गई। हमारी बेटी हुई और वहीं बड़ी भी होने लगी। फिर संभाला और ओली के संबंध अचानक बहुत ही खराब होने लगे। पिछले कुछ दिनों तक तो फिर भी सब ठीक ही था, हम कभी भी ओली आना जाना कर सकते थे, पर हमारे राजा के अत्याचार बहुत ही ज़्यादा बढ़ गए थे और ओली के साथ भी उन्होंने दुश्मनी जैसा रिश्ता कायम कर लिया था। वहाँ रह पाना मुश्किल था, जिस वजह से हमने 3 दिन पहले संभाला छोड़ने की सोची और बस वहीं उन लोगों ने मेरे पति को। ऐसा कहते हुए वो औरत रोने लगती है। उसकी बेटी भी अपने माँ को रोता देख उससे लिपट जाती है। ये देखकर कैलाश कहता है, अपने आप को संभालिए, आपने अपने पति को खोया है, मेरी कोई भी बात इसकी भरपाई नहीं कर सकती। मैं आपका दुख समझ सकता हूँ, पर मैं बस इतना कहूँगा कि अपनी बेटी का ख्याल रखिएगा और उम्मीद कभी भी मत हारिएगा। वक्त बदलते वक्त नहीं लगता, जैसे अच्छे से बुरा वक्त आया है वैसे ही बुरे से वापस अच्छा भी हो जाएगा। माँ रोती हुई कहती है, मुझे इसकी कोई उम्मीद नहीं है, कहते हैं युद्ध होकर रहेगा, ओली में भी अमीराज को हटाने की साजिश हो रही है। यह बात सभी दबी जुबान में कहने लगे हैं, सब जानते हैं अगर वाक ओली का राजा बनता है तो इसे भी संभाला बनने में देर नहीं लगेगी, सब बर्बाद हो रहा है। कैलाश उस औरत को दिलासा देते हुए कहता है, ऐसा नहीं होगा, अमीराज ही ओली के राजा बने रहेंगे। बुराई कुछ समय के लिए ही अच्छाई पर भारी पड़ सकती है, पर अंत में अच्छाई की ही जीत होती है। यहाँ भी वैसा ही होगा, अपना ख्याल रखना, अब मैं चलता हूँ। ऐसा कहकर कैलाश जाने लगता है तो वो औरत कैलाश को आवाज देते हुए कहती है, सर आप कहाँ जाएंगे? मेरा एक जरूरी काम है, मुझे जाना होगा, कैलाश जवाब देता है। वो औरत अपने पास रखे बैग से एक कार्ड निकालकर उसे देती है और कहती है, अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो इस नंबर पर आप कॉल कर लेना, और इसमें मेरे घर का भी एड्रेस है, आप मेरे साथ आकर रुक सकते हैं, हमें बहुत खुशी होगी सर। मेरे डैड भी आपकी ही उम्र के हैं, मेरे लिए तो आप मेरे डैड से भी बढ़कर हैं, प्लीज आइएगा। वो औरत अपने हाथ जोड़कर कैलाश से यह बात कहती है। कैलाश कार्ड अपने पास रख लेता है और कहता है, कोशिश करूंगा, अगर मौका मिला तो जरूर आऊंगा, अब चलता हूं। और कैलाश वहां से उन्हें सुरक्षित छोड़कर आगे बढ़ जाता है। कैलाश ने एक बड़ा पड़ाव पार कर लिया था, अब अमीराज से मिलने के लिए कैलाश को कैसे और क्या क्या जतन करने पड़ेंगे जानने के लिए जुड़े रहिए पॉकेट एफएम के साथ। कैलाश ने बॉर्डर क्रॉस कर लिया
और अब उसे ओली में रह रहे राजा अमिराज से मिलना होगा। तय प्लान के मुताबिक कैलाश ने ओली में एंट्री संभाला से ही की थी और वो अब राजा के महल से ज्यादा दूर नहीं था। चलता हुआ कैलाश ओली के सबसे बड़े शहर की ओर बढ़ रहा था। ओली की राजधानी के बीचों बीच राजा मिराज का महल था। ओली का ये शहर मल्लारी से कहीं ज्यादा उन्नत और फैलाव में कम से कम 4 गुना था। राजा मिराज का पैलेस भी दक्ष के महल से ना सिर्फ बड़ा था पर इसकी बनावट और क्राफ्टमैनशिप भी बेहतर थी। सुरक्षा के कड़े इंतजाम के बीच इस पैलेस में एंटर कर पाना नामुमकिन था। पैलेस के अंदर सैकड़ों गार्ड्स और उतने ही लोग काम में लगे थे। राजा के कक्ष के पास मात्र 2 ही गार्ड्स थे और उनके सामने था एक बहुत ही लंबा कॉरिडोर। यह एक ही रास्ता था राजा तक पहुंचने का। किसी को भी उस कॉरिडोर में आने की अनुमति नहीं थी और राजा के दोनों रक्षकों को आदेश थे कि अगर कोई भी उस कॉरिडोर से आगे बढ़ता दिखाई देता है तो उसे शूट कर दिया जाए। यह कानून था। अमिराज को उसके पैलेस में चल रहे षड्यंत्र के चलते ऐसा करना पड़ा। अब राजा को किसी पर भी विश्वास नहीं था। अपनी सभा भी राजा अमिराज कई कई दिनों के अंतराल में लेते थे और खास उस काम के लिए ही वो अपने कक्ष से बाहर आते थे। उनका बाहर आना होता था अपनी प्रजा से रूबरू होने के वक्त। यह काम राजा रोज किया करते थे। दिन के एक निर्धारित समय में राजा का कारवां अपने महल से निकलकर पूरे शहर का राउंड लगाता हुआ वापस पैलेस में आ जाता था। इसकी एकमात्र बड़ी वजह यह थी कि अमिराज यह नहीं चाहते थे कि उनकी जनता को यह पता चले कि राजा अमिराज को कुछ हो गया था। दक्ष की ही तरह ओली की प्रजा अपने राजा को बहुत चाहती थी। अमिराज ने ओली को एक बेहद ही एडवांस रीजन बना दिया था और ओली राजा के समय त्रिवास का सबसे बड़ा शक्तिशाली और समृद्ध राज्य माना जाता था। यहाँ की प्रजा ये जानती थी कि ओली की इस बेहतर अवस्था का एकमात्र कारण उनका शासक अमिराज था। ओली में गरीब नहीं थे और हर किसी के पास एक बेहतर रोजगार के कारण ओली के पास अपार राजस्व का भंडार था और इसी वजह से ओली के सामने एक बड़ी आपदा खड़ी हुई थी। वाक अमिराज का सौतेला भाई जो अपने आप को ओली का असली राजा मानता था अब उसे उस सिंहासन को पाने की जिद आ गई थी। फिर चाहे उसे अपने भाई को जान से ही क्यों ना मारना पड़े वो इसके लिए भी तैयार हो गया था। शुरुआत से ही अमिराज और वाक में कभी भी नहीं बनी। अमिराज में एक प्रबल और सक्षम राजा बनने के गुण थे जिसे उसके पिता ने भांप लिया था पर उसके अंदर राजा के साथ एक दासी का भी खून था। यह बात सभी से छुपा के रखी गई थी। हाल में ही इस सच्चाई का पता वाक को चला था जिसके बाद उसने संकल्प कर लिया था कि अमिराज से वो ओली की सत्ता छीन कर रहेगा। राजा की नाजायज संतान उसकी जगह नहीं ले सकती थी और यही सच वाक ने उजागर करना शुरू कर दिया था जिससे अमिराज के लिए खतरा बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। अमिराज के चले जाने से ओली की बागडोर वाक के हाथों चली जाएगी और वहीं से ओली का पतन तय था। इसी बात का डर अमिराज को सताने लगा था। कैलाश भी ओली के मेन शहर के बीच आ गया था। उसे पहचाना नहीं जा सकता था। कैलाश यहाँ इसके पहले भी आ चुका था। उसकी जिंदगी का पहला इंटरव्यू यहीं हुआ था जिसके बाद कैलाश ट्रेन से वापस अंगीरा चला गया था। आज कैलाश वापस ओली आया था। पहले की ही तरह आज भी कैलाश ओली की खूबसूरत इमारतें चौड़ी सड़कें और पब्लिक ट्रांसपोर्ट देखकर हैरान हो रहा था। कैलाश सोचता है अमिराज अगर यहां से हटा दिया जाता है तो इस खूबसूरत जगह पर ग्रहण ही लग जाएगा। कैलाश पब्लिक प्लेस से गुजर रहा था
उसे ओली के लोग बेफिक्र और खुश दिख रहे थे। उन्हें पता था कि उनके साथ ओली में कुछ भी गलत नहीं हो सकता था। कैलाश का गेटअप ऐसा था कि वो उन सबके बीच सबसे गरीब और लाचार दिख रहा था, पर एक हिसाब से यह कैलाश के लिए मददगार साबित होने वाला था। कैलाश के ऊपर किसी की भी नजर नहीं जाने वाली थी। कोई भी कैलाश को खतरे की तरह नहीं देखने वाला था, खासकर ओली की पुलिस और सुरक्षा बल की नजरों में कैलाश महज एक बूढ़ा आदमी दिख रहा था, जो शायद यहाँ का था भी नहीं। किसी तरह से शायद यह बूढ़ा आदमी संभाला से ओली तक आ गया था। मार्केट में भीड़ काफी ज्यादा हो गई थी। भीड़ के बीच से होता हुआ कैलाश खाने की जगह ढूंढता है। अंगीरा से निकलने के बाद कैलाश ने अभी तक कुछ भी नहीं खाया था। उसे बेहद भूख लग रही थी, पर कैलाश देखता है कि जिस जगह वो मौजूद था वहां खाने के बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स थे। कैलाश अपनी जेब चेक करता है। वो जानता था कि किसी भी हालत में कैलाश वहां नहीं खा सकता था। उसकी जेब में पैसे थे ही नहीं। कैलाश को अपनी कंडीशन पर हंसी आ जाती है। इतने बड़े राजा दक्ष की संतान और यहाँ ओली जैसे राज्य में एक भिखारी के वेश में घूम रहा था। उसके पास एक अच्छी जगह खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। तभी कैलाश को नौकरम की आवाज सुनाई देती है। कैलाश, इस जगह तुम अपनी भूख नहीं मिटा सकते। तुम्हें कोई और जगह जाना होगा जहां गरीब जनता अपनी भूख मिटाती है। कैलाश गुस्से में जवाब देता है, हाँ मुझे पता है ये बात। तुम मुझे बस इतना बताओ कि मैं कहां जा सकता हूं, मुझे बहुत भूख लगी है। यहां से तुम्हें पूर्व दिशा में ही 5 किलोमीटर दूर एक जमावड़ा दिखेगा। तुम अपनी भूख वहां मिटा सकते हो, नौकरम कैलाश को बताता है। फिर कैलाश पूछता है, कितने पैसे खर्च होंगे? तुम जानते हो मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं हैं। वहां तुम्हें फ्री में ही खाना मिल जाएगा कैलाश, क्योंकि वो संभाला से आए रिफ्यूजीज के लिए है। वहां से आए लोग या फिर जिनके पास पैसों की कमी है वो वहां जाकर खाना खा सकते हैं। कैलाश को अपने ऊपर शर्म आती है। अब उसे रिफ्यूजीज के साथ मुफ्त का खाना खाकर अपनी भूख मिटानी होगी। फिर भी कैलाश नौकरम के बताए रास्ते पर चल पड़ता है। कैलाश को देखते हुए लोग उसके रास्ते से हट रहे थे। उसका गंदा और अजीब सा दिख रहा भेस लोगों को उससे दूर रहने पर मजबूर कर रहा था। तभी कैलाश से नौकरम कहता है, कैलाश तुम्हें जल्दी चलना होगा, क्योंकि थोड़े समय बाद राजा के महल से निकलने का समय हो जाएगा, जिससे पहले तुम्हारा उस महल के गेट पर होना जरूरी है। मैं ये बात जानता हूं, पर एक बूढ़ा आखिर कितनी तेज चल सकता है, तुम ही बताओ, कैलाश नौकरम को जवाब देता है। तो नौकरम कैलाश से कहता है, कैलाश अगर तुम्हारे पास पैसे होते तो तुम जानते हो ना कि मैं तुम्हारी शक्ति कितनी बढ़ा सकता था। आज तुम शायद अपने पिता के जितने शक्तिशाली होते, और अगर मुझे तुम और पैसे दे सकते तो मैं तुम्हें आज सामंत योग या उसके भी आगे पहुंचा सकता था। कैलाश अब ये बात जानता था कि नौकरम झूठ नहीं बोलता है, पर उसके पास पैसे नहीं थे। यह तो सच था कि राजा का बेटा होने के बावजूद कैलाश के पास कभी भी पैसे नहीं रहे। वो यहाँ इंटरव्यू देकर एक जॉब इसलिए ढूंढ रहा था ताकि उसकी जेब में हर महीने कुछ पैसे रहें। राजा दक्ष ने कैलाश की हर जरूरत की पूर्ति की थी, पर उसे कभी भी पैसे नहीं दिए। इस बात का हमेशा कैलाश को बुरा लगता था। आज कैलाश के पास पैसे होते तो उन पैसों को नौकरम को देकर
कैलाश अपनी शक्तियां बढ़ा सकता था। कैलाश कुछ समय में उस जगह पहुंच जाता है जहां उसे फ्री का खाना मिलने वाला था। कैलाश देखता है कि उसके आगे कई लोग खड़े थे, जिसकी वजह से खाने वाली लाइन बहुत ही लंबी हो गई थी। कैलाश को काफी टाइम इंतजार करना होगा। बहुत देर लाइन में खड़े रहने के बाद कैलाश के हाथ में खाने का एक पैकेट आता है, जिसे लेकर कैलाश वहां से जाने लगता है। तभी एक आदमी कैलाश से कहता है, अरे बाबा, आप कहाँ जा रहे हैं? यहाँ बैठिए, आराम से खाना खाइए, फिर चले जाना, आपको जहां भी जाना है। कैलाश जल्दी में था, उसे पैलेस पहुंचना था, पर कैलाश को पैलेस का रास्ता भी नहीं पता था। वो सोचता है, क्यों ना इस आदमी के साथ समय बिताकर कुछ जानकारी ही हासिल कर ली जाए। कैलाश उस आदमी से कहता है, ठीक कहा तुमने बेटा, मैं कुछ ज्यादा ही जल्दी में था, पर खाना इत्मीनान से ही खाना चाहिए। ऐसा कहकर कैलाश उस आदमी के साथ बैठ जाता है और बातों बातों में कैलाश पूछता है, कहां से हो बेटा, यहां के नहीं लग रहे हो। वो आदमी बताता है, बाबा मैं तो संभाला से हूं, कुछ महीने पहले ही यहां आया हूं, एक छोटा सा काम मिल गया है और बस अब आगे यहीं रहने का सोचा है। क्यों, घर की याद नहीं आती क्या? कैलाश उस आदमी से पूछता है। वो आदमी जवाब देता है, याद तो आती है बाबा, पर अब मेरा वहां कुछ बचा नहीं। मेरा घर राजा के महल के पास ही था, जिसे मुझसे छीन लिया गया और मैं सड़क पर आ गया। वहां मेरे पास करने के लिए भी कुछ बचा नहीं था। वहां की स्थिति बहुत ही खराब है बाबा, आपने तो सुना ही होगा। हाँ बेटा, खबर तो मिलती ही रहती है, कैलाश बात बनाते हुए कहता है। वो आदमी कैलाश से पूछता है, आप भी यहां के नहीं लगते बाबा, कहां से आ रहे हैं आप? कैलाश के पास इस सवाल का जवाब तो नहीं था, इसीलिए वो कह देता है, मैं औली का ही हूं बेटा, मेरा गांव बहुत दूर अंगीरा की सीमा के पास है, कुछ दिनों के लिए यहां किसी काम से आया हूं। कैलाश से वो आदमी पूछता है, क्या काम पड़ गया बाबा इतने बड़े शहर में? कैलाश हंसते हुए जवाब देता है, बेटा जिंदगी गुजर गई, ना तो मैं उस वक्त हमारे राजा को देख पाया और ना अमीराज के राजा बनने के बाद उनको देख पाया हूं, मैं उनको देखने ही आया हूं। क्या तुम बता सकते हो मैं अपने राजा को कहां देख सकूंगा? हाँ हाँ जरूर बाबा, महाराज अमीराज रोज शहर का एक राउंड लगाने निकलते हैं, तब शहर की और बाहर से आई हुई जनता सब वहां उनको देख सकती है, आप भी वहां जाकर उनके दर्शन कर सकते हैं, पर आपको जल्दी करना होगा, थोड़े ही समय में राजा का कारवां निकलने वाला होगा। वो आदमी अपनी घड़ी देखते हुए कैलाश को जवाब देता है। कैलाश अपना सर हिलाता हुआ अपने खाने पर ध्यान देने लगता है। कैलाश लाठी के सहारे चलता हुआ एक बड़े से गेट के पास पहुंचता है। यह गेट अंगीरा के बड़े दरवाजे से कहीं ज्यादा बड़ा था और यहाँ की सुरक्षा बहुत ही ज्यादा कड़ी दिख रही थी। कैलाश देखता है कि लोग अपने राजा को देखने हजारों की तादाद में वहां जमे हुए थे, हर कोई गेट से अपनी दूरी बनाए रखे हुए था। कैलाश की आंखों के सामने सिर्फ वो बड़े गेट और उस गेट से जुड़ी कई मीटर ऊंची पत्थर की दीवारें ही थी। कैलाश देखना चाहता था उन दीवारों के उस पार क्या है, राजा का महल कैसा है, उसे क्या करना होगा ताकि वो महल के अंदर जाकर राजा से मिल सके। उन ऊंची दीवारों को क्रॉस करना आम आदमी के बस की बात नहीं थी और कैलाश बिना अपनी शक्ति यूज करे उस पार नहीं जा सकता था। क्या कैलाश वहीं खड़ा राजा के बाहर आने का वेट करता रहेगा या फिर अपनी पावर्स यूज करके महल के अंदर चला जाएगा? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए जुड़े रहिए पॉकेट एफएम के साथ।
लोगों के बीच भीड़ में खड़ा कैलाश यह सोच ही रहा था कि वो कैसे अमीराज से मिल पाएगा, और इतने में बहुत ही जोर से एक सायरन बजने की आवाज सुनाई देती है। भीड़ में अचानक हलचल होने लगती है। सायरन की आवाज महाराज अमीराज के आने का संकेत था, जिसकी वजह से जनता का बड़ा एक्साइटमेंट देखा जा सकता था, उसे महसूस किया जा सकता था। गार्ड्स भी सडनली एक्टिव हो गए थे और भीड़ में उठी हलचल के लिए तैयार होते दिख रहे थे। किसी को भी एक तयशुदा लाइन के अंदर पैर रखने की भी इजाजत नहीं थी। बड़े दरवाजे से ही लगा एक छोटा गेट देखा जा सकता था। कैलाश देखता है कि वो दरवाजा पहले खुलता है, जिससे लगातार कई बॉडीगार्ड्स दौड़ते हुए बाहर आते हैं और सड़क के दोनों ओर भीड़ को सड़क से दूर करने लगते हैं। सभी के हाथों में लकड़ी का ही सही पर एक मजबूत हथियार था, जिससे उन्हें भीड़ को काबू में रखना था। पर चूंकि राजा का ये कारवां निकलने का सिलसिला रोज का था, इसीलिए कैलाश देखता है कि यह पूरा दृश्य किसी रिहर्स मूवमेंट जैसा दिख रहा था, जिसमें सभी को पता था कि क्या होने वाला है। पर यह सब कैलाश के लिए बिल्कुल नया एक्सपीरियंस था। सब तैयार दिख रहे थे और धीरे से भीड़ में भी हल्का ठहराव दिखने लगा था। सारे गार्ड्स अपनी पोजीशन लिए भीड़ पर नजरें बनाए हुए थे। कैलाश के अंदर अचानक सब कुछ शांत हो जाता है। वो अब बस दरवाजे की ओर देख रहा था। कैलाश का और उसके साथ खड़ी पूरी भीड़ का इंतजार खत्म होता है और पैलेस का बड़ा दरवाजा खुलता है। दरवाजा खुलते देखकर भीड़ का शोर बढ़ जाता है। सब राजा को देखने के लिए इतने एक्साइटेड थे कि सभी जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। भीड़ के चिल्लाने की आवाज से पूरा इलाका गूंज उठता है। दूर दूर तक लोगों का मचाया शोरगुल सुना जा सकता था, जिसे सुनकर और भी लोग जुड़ने लगे थे। भीड़ बढ़ती जा रही थी। कैलाश को आगे बढ़ने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। वो लोगों की नजरों में बूढ़ा था और ऐसे उम्र दराज इंसान को वहां कोई भी आगे आने नहीं देने वाला था। सभी अमीराज को देखने के लिए उमड़ पड़े थे और इसी भीड़ की जद्दोजहद के बीच अमीराज का कारवां निकलता है। कैलाश देखता है कि अमीराज की सुरक्षा में दो प्रोटेक्शन लाइंस बन गई थी और इस सब के बाद राजा अमीराज की लंबी सी कार बाहर दिखाई देती है, जिसे देखते ही भीड़ में खड़े सभी लोग चीखने और चिल्लाने लगते हैं। सभी अपने राजा को देखकर खुश थे। धीरे धीरे अमीराज की कार आगे बढ़ रही थी। कैलाश देखता है कि उस कार के शीशे नीचे किए जा रहे थे। कैलाश भी व्याकुल था और वो जोर लगा के भीड़ को हटाता हुआ आगे बढ़ता है। उसे ऐसा करने में बेहद ताकत लगानी पड़ती है। कैलाश जैसे तैसे भीड़ में सबसे आगे आकर खड़ा हो जाता है। लोग उसे पीछे करने की कोशिश कर रहे थे, पर कैलाश अब टस से मस नहीं हो रहा था। उसकी आंखें बस अमीराज की कार पर ही होती है, जो कि अब धीमी होती जा रही थी। कार का शीशा नीचे हो चुका था और कैलाश की नजर पहली बार अमीराज पर पड़ती है। कैलाश देखकर दंग रह जाता है कि अमीराज उम्र में उसके पिता से काफी कम था, शायद कैलाश से कुछ साल बड़ा था। दोनों की उम्र में ज्यादा अंतर नहीं दिख रहा था। अमीराज ने एक सुंदर सी शॉल ओढ़ रखी थी और उसके चेहरे का तेज अलग ही दिख रहा था। वो तेज यौगिक शक्ति में बहुत ही आगे की अवस्था में पहुंचने का था। अमीराज सम्राट योग के मध्यम चरण में था। कैलाश नौक्रम से पूछता है, अमीराज की उम्र इतनी कम दिख रही है और उसने इतने कम समय में इतनी शक्ति कैसे हासिल कर ली? नौकरम बताता है, अमीराज तुम्हें उम्र में कम जरूर दिख रहा है, पर उसकी उम्र काफी ज्यादा है। वो सम्राट योग के मध्यम अवस्था में है, इस वजह से उसकी उम्र भी कम दिख रही है। उस स्टेज में
पहुंचने के बाद लोगों की उम्र कई सौ साल बढ़ जाती है और ऐसे में बूढ़ा होने में भी 30 दशक से ज्यादा लगते हैं। कैलाश चाहता था कि वो नौकरम से पूछे कि उसे वैसा बनने के लिए क्या या फिर कितना पैसा देना होगा, पर कैलाश यह सवाल करने से अपने आप को रोक लेता है। कैलाश जानता था कि नौकरम उसके लिए उससे मणि या पैसों की मांग करेगा, पर अभी तो उसके पास खाने के भी पैसे नहीं थे, इसलिए वो शांत रहकर राजा को देखने की कोशिश करता है। अभिराज की कार पूरी तरह रुक गई थी और वो बाहर अपना हाथ निकालकर उसे देखने आई जनता का आवाहन कर रहा था। कैलाश भी अपने हाथ ऊपर कर लेता है और ऐसे आगे बढ़ता है मानो वो अभिराज से बात करना चाहता हो, पर सामने ही खड़ा एक गार्ड कैलाश को धकेलता हुआ भीड़ में वापस फेंक देता है। सभी की नजर कैलाश पर जाती है, किसी ने भी उसे यहाँ इसके पहले नहीं देखा था और कैलाश का पहनावा भी उसे सबसे अलग कर रहा था। लोग उसे अजीब निगाहों से देखते हुए उससे दूर होने लगते हैं। कैलाश सब नजरअंदाज करता हुआ अमिराज को ही देख रहा था। कैलाश को राजा से किसी भी हालत में मिलना होगा, वो ही था जो अमिराज को आने वाले खतरे का सामना करने के लायक बना सकता था, पर यह बात सिर्फ कैलाश जानता था। इस रहस्य को जो राजा के लिए ही फायदेमंद थी, कैसे राजा तक पहुंचाया जाए। कैलाश देखता है कि अब राजा की कार आगे बढ़ने लगी थी और सभी अमिराज की तरफ अपना हाथ हिलाते हुए उसे बाय कह रहे थे। अमिराज भी खुशी खुशी अपनी जनता को बाय कर रहा था। कार का शीशा अब बंद हो जाता है और राजा का कारवां आगे बढ़ जाता है। उसके ही साथ गार्ड्स की टीम भी गाड़ी के साथ भागने लगती है। धीरे धीरे सब वहां से जाने लगते हैं। महल का दरवाजा बंद कर दिया जाता है और वहां जमा भीड़ भी अब छटने लगती है। कैलाश भी चलता हुआ पैलेस से दूर जाने लगता है। कैलाश को समझ नहीं आ रहा था कि वो अमिराज से कैसे मिल सकता था। इतनी कड़ी सुरक्षा के साथ कैलाश का अमिराज से मिल पाना नामुमकिन था। कैलाश मुड़कर महल की तरफ देखता है। उन पत्थर वाली ऊंची दीवारों पर कैलाश की नजर पड़ती है। दीवारें बहुत ही ज्यादा ऊंची थी। कैलाश सोच रहा था कि अमिराज से वो महल के अंदर ही चुपचाप उसके कमरे में जाकर मिलने की कोशिश करेगा और ऐसा करने के लिए उसे वो ऊंची दीवार लांघनी होगी, उसे अपनी शक्ति यूज करनी होगी। तभी नौकरम कैलाश से कहता है, ऐसा भूल कर भी नहीं करना कैलाश। तुम्हें क्या लगता है जिस राजा ने ओली की सुरक्षा में इतनी एडवांस इनविजिबल फेंसिंग करा रखी है, वो अपने महल को महज इंसानों के भरोसे छोड़ देगा? इस पर कैलाश कहता है, मतलब यहां भी वैसी कोई प्रोटेक्टिव वॉल है? तो नौकरम बताता है, हाँ कैलाश, वैसी एक नहीं कई वॉल्स हैं पूरे महल में। अंदर लोग ज्यादा नहीं हैं, जो भी लोग हैं एक दायरे तक ही हैं, जिसके बाद राजा की सुरक्षा बहुत ही करीबी और सक्षम गार्ड्स के साथ ऐसी कई प्रोटेक्टिव वॉल्स करती हैं। एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और डेंजरस सिक्योरिटी प्रोग्रामिंग कर रखी है अमिराज ने अपनी सुरक्षा के लिए। तुम्हें क्या लगता है वाक को इतना समय क्यों लग रहा है अपने भाई को रास्ते से हटाने में? कैलाश पूछता है, तो फिर मैं अब क्या कर सकता हूं? नौकरम कहता है, यह तो तुम्हें ही तय करना होगा। शाम होने को थी और अब कैलाश को रात बिताने के लिए अपना इंतजाम करना था। कैलाश आसपास देखता है, यह जगह रात बिताने लायक नहीं थी, ठंड भी बढ़ रही थी, रात होते होते इसको झेल पाना मुश्किल हो जाएगा। कैलाश के दिमाग में अपने मिशन को लेकर काफी चिंता थी और अमिराज से मिलना
उसका अगला लक्ष्य। ऐसे में उसे एक शांत और एकांत जगह ढूंढनी होगी। इतने में कैलाश को पीछे से आवाज आती है, अरे बाबा। कैलाश मुड़कर देखता है, ये वही आदमी था जिसके साथ कैलाश ने लंच किया था। कैलाश उसे देखकर कहता है, हाँ भाई कहो। वो आदमी पूछता है, महाराज को देख लिया आपने? कैलाश बात बनाते हुए कहता है, अरे कहाँ भाई, भीड़ ही इतनी थी कि क्या कहें, मुझे तो उनसे बात भी करनी थी पर ऐसा हो ना सका। वो आदमी कैलाश की बात पे हंसने लगता है और कहता है, बाबा बस देख लिया वो ही काफी है, राजा अमीराज से कोई बात नहीं कर पाता है, अब खुशी खुशी अपने गांव वापस जाओ आप। कैलाश मुस्कुराता हुआ वहां से चला जाता है। औली में रात हो चुकी थी और घने लंबे पेड़ों के बीच एक पुराने से खंडर हो चुके मंदिर में आग जल रही थी। यह आग कैलाश ने ही कुछ लकड़ियों को जमा करके लगाई थी। आसपास के इलाके में बर्फ गिरना शुरू हो गई थी जिसकी वजह से मौसम बहुत ही ज्यादा ठंडा हो चुका था। बर्फ के छोटे छोटे कण कैलाश के ऊपर भी गिर रहे थे। कैलाश आग के पास बैठा अपने ठंडे पड़ चुके हाथ मल रहा था। सामने जल रही आग से कैलाश को थोड़ी राहत जरूर मिली थी। कैलाश के चेहरे पर चिंता बनी हुई थी। वो मंदिर की तरफ आंख उठाकर देखता है। यह मंदिर औली की राजधानी से कई किलोमीटर दूर जंगलों के बीच में था। यहां उसे कोई भी नहीं देख सकता था और कैलाश के पास यहां रात बिताने के अलावा और कोई भी चारा नहीं था। शहर में किसी भी होटल के कमरे में रुक पाना उसके लिए मुश्किल था, जिसकी वजह से कैलाश को यहां जंगल के वीराने में इस सदियों पुराने मंदिर में रात बितानी पड़ रही थी। अब ये मंदिर खंडर बन चुका था और इसमें पूजे जाने वाले भगवान अब पूजे नहीं जाते थे, अब धरणी में सिर्फ शक्तिशाली ही पूजे जाते थे जिन्होंने अनादि की उपाधि पा ली थी। लोग उनकी पूजा करते थे, उन्हें अपनी परेशानियों में याद करते थे और अनादि पहले के भगवानों की तरह अदृश्य नहीं होते थे। वो इसी धरणी में लोगों के साथ रहा करते थे। उनकी शक्तियां अपार थी जो उन्हें भगवान बनाती थी। ऐसे भगवान जिन्हें लोग देख सकते थे, उनकी शक्तियों से अपनी परेशानी दूर कर सकते थे। और कैलाश जानता था कि धरणी में हर अनादि ने एक आम इंसान के जैसे ही जन्म लिया था, पर अपनी शक्तियों को बढ़ाकर तपस्या और योग की हर सीमा लांघ कर वो आम इंसान आज अनादि की उपाधि पा चुके थे। कैलाश भी अपने आप को अनादि बनते देखना चाहता था। वो उतना ही शक्तिशाली बनना चाहता था। ना अंगीरा, ना औली, ना ही त्रिवास कैलाश की महत्वाकांक्षा छोटी नहीं थी। नौकरम के मिलने के इतने दिनों बाद आज आखिर कैलाश के मन ने उससे सच कह दिया था। जो बात लोग खुद से भी कहने से डरते थे, आज कैलाश के मन ने उसे उसकी चाहत बना दिया था। पर जो इंसान इतने बड़े सपने को अपने अंदर संजो रहा था, क्या उसे महज औली के राजा से मिलने में आने वाली दिक्कतें इतना परेशान कर सकती थी? जो खुद अनादि की योग अवस्था में अपने आप को देखना चाहता था, वो कैसे इतनी छोटी सी मुश्किल का समाधान नहीं ढूंढ पा रहा था? जैसे जैसे कैलाश के विचलित मन में यह सवाल उठ रहे थे, वैसे वैसे उसकी दृढ़ता मजबूत होती जा रही थी और वही मजबूती आत्मविश्वास बनकर कैलाश के चेहरे पर उभर आती है। क्या तय किया था कैलाश ने, कैसे अपने आप को कैलाश अमीराज के सामने खड़ा कर पाएगा और किस तरह वो अमीराज को कन्विंस करेगा उसका साथ देने में? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए जुड़े रहिए पॉकेट एफएम के साथ।
कैलाश के सामने जल रही आग रात के अंधेरे में उसके चेहरे को रोशन कर रही थी। कैलाश की आंखों में चमक थी, जैसे उसे साफ दिख रहा हो कि अमिराज और वो आमने सामने खड़े हैं। कैलाश पास ही जमीन पर पड़े अपने बैग को देखता है और अपने बैग में कुछ टटोलने लगता है। जब कैलाश अपने हाथ बाहर निकालता है तो उसके हाथ में एक डायरी होती है, जिसे कैलाश कुछ देर तक देखता रहता है, जैसे उसके मन में कुछ प्लान बन रहा हो। ऊपर से गिरती हुई बर्फ और हड्डियां जमा देने वाली ठंड से भी कैलाश को कोई फर्क पड़ता नहीं दिख रहा था। कैलाश वापस उस आग के पास जाकर बैठ जाता है। बर्फ लगातार गिर रही थी, पर ना जाने क्यों अब वो कैलाश को उतना परेशान नहीं कर रही थी। उस खंडर हो चुके मंदिर में बैठे कैलाश के सामने नीरा का चेहरा आ जाता है। चेहरे पर बनी उसकी मुस्कान कैलाश को उन लम्हों की याद दिला रही थी जब कैलाश और नीरा एक साथ अकेले उस बिल्डिंग के टेरेस पर थे। कैलाश की गहरी और ठंडी सांसें बता रही थी कि कैलाश को इस बात की संतुष्टि थी कि उसने ओली आने से पहले नीरा से कोई भी बात नहीं छिपाई। यही सोचते हुए कैलाश के अंदर नीरा से बात करने की ललक जाग उठती है। कैलाश अपना फोन बाहर निकालता है। बैटरी चार्ज ना होने की वजह से कैलाश का फोन बंद हो चुका था। कैलाश थोड़ा मायूस हो जाता है, उसका फोन भी बंद हो गया था। अमिराज से मिलने की जद्दोजहद में कैलाश अपने फोन को चार्ज भी नहीं कर पाया था। उदास कैलाश अपना सर हिलाते हुए फोन को वापस अपनी जेब में रख लेता है। वो सोचता है कि अगर वो इस उजाड़ सुनसान जंगल के बीच रहने के लिए मजबूर नहीं होता तो शायद उसे अपने फोन को चार्ज करने का मौका मिल जाता और शायद वो पूरी रात अपनी नीरा से बात कर पाता। ना जाने क्यों पर कैलाश को पिछले कुछ समय से अपने पास पैसों की कमी बहुत ही ज्यादा खल रही थी। इससे पहले कैलाश ऐसा नहीं सोचा करता था। वो सोचता है कि कहीं ये उसके अंदर एक सॉफ्टवेयर होने की वजह से तो नहीं है, क्योंकि नौकरम से कुछ भी काम करवाने के लिए उसे मणि की जरूरत पड़ती है। हर कदम पर नौकरम कैलाश के सामने पैसों की मांग करता है, जिसके बाद ही वो उसकी मदद करता है। और अगर कैलाश को योग शक्ति के एडवांस स्टेजेस का सुख देखना है तो उसे ना जाने कितने पैसों की जरूरत पड़ेगी। इन्हीं ख्यालों में खोए कैलाश को नींद आ जाती है और वो वहीं जमीन पर लेटा हुआ पास ही जल रही आग की ताप में सो जाता है। दिन निकल चुका था और कैलाश लाठी का सहारा लेता हुआ जल्दी जल्दी चला जा रहा था। बड़े चौड़े रास्तों से गुजरता हुआ कैलाश शहर पहुंच गया था। जिस रास्ते पर कल वो चला था, आज वो उससे थोड़ा अलग किसी दूसरे मोड़ को चुनता हुआ आगे बढ़ जाता है और एक भीड़ भरे बाजार में पहुंच जाता है। उस जगह काफी भीड़ थी, लोग अपनी जरूरतों का सामान खरीद रहे थे। कैलाश ऐसे चला जा रहा था जैसे उसने कुछ पहले से ही प्लान कर लिया हो। उसकी बूढ़ी अवस्था और गंदे लबादे को देखकर लोग उससे दूर हो रहे थे। यह एक छोटा मार्केट था और भीड़ बहुत ही ज्यादा। लोगों ने पास पास ही अपनी छोटी दुकानें लगा रखी थी। कैलाश अचानक अजीब हरकतें करने लगता है, उछलने लगता है, लोगों के सामने कूदने लगता है, उन दुकानों से सामान उठाकर इधर उधर फेंकने लगता है। एक अजीब से गंदे दिख रहे बूढ़े की ऐसी हरकतों को देख के लोग आश्चर्य में थे। कैलाश को चीजें फेंकता देख दुकान वाले भी समझ नहीं पाते कि आखिर यह बूढ़ा करना क्या चाह रहा है। अपने सामान को बचाने की खातिर दुकान वाले उसे अपनी शॉप से दूर करने लगते हैं। वो सोचते हैं कि यह बूढ़ा पूरी तरह पागल हो गया है। धीरे धीरे पूरे एरिया में एक पागल बूढ़े के होने की न्यूज फैल जाती है। सभी कैलाश को बाहर से आया हुआ कोई पागल बूढ़ा समझने लगते हैं। उस बाजार से चलता हुआ कैलाश
दूसरी ओर निकल जाता है। उसकी उम्र और कंडीशन को देखते हुए किसी ने भी उसकी पुलिस में कंप्लेन नहीं की थी। कैलाश पूरा दिन किसी पागल बूढ़े की एक्टिंग करता रहता है और राजा अमीराज का कारवां निकलने के ठीक पहले वहां पहुंच जाता है। भीड़ में मौजूद लगभग सभी लोग जान चुके थे कि यह आदमी पागल हो चुका है और उससे कुछ भी कहना या समझाने का कोई भी फायदा नहीं है। सभी उसे अवॉइड करते हैं। ठीक कल की ही तरह अमीराज का निकलना होता है। वैसी ही सिक्योरिटी प्रिपरेशंस की गई थी। गार्ड्स की दो लाइंस राजा और लोगों के बीच दीवार बनकर खड़ी थी। अंतर था तो कैलाश के इर्द गिर्द। गार्ड्स ने भी कैलाश को देख लिया था क्योंकि कोई भी अब उसके पास खड़ा नहीं होना चाहता था। अमीराज की गाड़ी बाहर आकर रुक गई थी और अमीराज अपनी प्रजा की तरफ देख रहा था। कैलाश की उछल कूद पर अमीराज की भी नजर थी। वो पागल बूढ़ा अब सडनली राजा की कार की ओर भागने लगता है। गार्ड्स तैयार थे इसीलिए वो उस बूढ़े को रोकने के लिए कूद पड़ते हैं, पर जब तक वो कुछ कर पाते कैलाश ने पहली लाइन को चकमा दे दिया था। सभी ये नजारा देखकर डर नहीं रहे थे, उन्हें उस बूढ़े पर हंसी आ रही थी, दया भी आ रही थी, पर कोई भी यह नहीं सोच रहा था कि यह बूढ़ा किसी भी तरह राजा को कोई नुकसान पहुंचाना चाहता था। यह लोगों की सोच थी पर गार्ड्स का ऐसा मानना नहीं था। पहली लाइन को भेज चुका कैलाश आगे बढ़ने की कोशिश करता है, पर तब तक काफी देर हो जाती है और उसे 7-8 सैनिक काबू में कर लेते हैं और यह सब अमीराज की आंखों के सामने घटित हो रहा था। कैलाश अपने आप को गार्ड्स के चंगुल से छुड़ाने की जी तोड़ कोशिश कर रहा था। कैलाश देखता है कि अमीराज की कार का शीशा बंद होने लगा है और उसकी कार आगे बढ़ने लगी है। यह देखकर कैलाश की छटपटाहट तेज हो जाती है, पर गार्ड्स उसे और दूर ले जाते हैं। कैलाश कार की तरफ मुड़कर देखता है। कार जा चुकी थी और कार को देखते हुए कैलाश के चेहरे पर एक स्माइल आ गई थी, जिसके बाद अचानक से वो अपनी सारी उछल कूद बंद कर देता है और शांत हो जाता है। इधर कार के अंदर बैठे अमीराज की नजर एक छोटे कागज के रोल पर जाती है। अमीराज तुरंत समझ जाता है कि यह कागज जरूर उस बूढ़े ने ही उसकी कार में फेंका था। कैलाश ने अमीराज तक अपना संदेश पहुंचा दिया था, जिसे उठाकर अब अमीराज पढ़ने भी लगा था। उस कागज के टुकड़े पर कैलाश ने लिखा था, मैं राजा दक्ष का बेटा कैलाश हूं, आपसे मिलना चाहता हूं और रात में मैं आपका इंतजार दूर जंगल के उस खंडर में करूंगा। जब तक आप मुझसे नहीं मिलते मैं यहां से जाने वाला नहीं। मेरे पास आपकी सारी परेशानियों का हल है, आपका इंतजार रहेगा। इधर कैलाश को एक पागल समझकर अंततः छोड़ दिया जाता है। छूटते ही कैलाश वापस मंदिर की ओर बढ़ जाता है और शाम होने से पहले ही मंदिर पहुंच जाता है। रास्ते में कैलाश के मन में कई डाउट्स थे, यही कि क्या अमीराज का ध्यान उस खत पर गया होगा भी या नहीं, और अगर उसकी नजर उस खत पर पड़ी होगी तो क्या उसने उसे पढ़ना जरूरी समझा होगा या फिर उसका फेंका हुआ वो कागज बेकार चला गया था। कैलाश का मन कहता है अमीराज ने उस खत को पढ़ा तो जरूर होगा, पर क्या अमीराज के जैसा बड़ा राजा उससे मिलने वहां उस संदिग्ध जगह पर आना पसंद करेगा? कैलाश के मन में ऐसे सवालों की झड़ी लग जाती है और शाम कब रात में बदल जाती है कैलाश को पता ही नहीं चलता। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था कैलाश की अमीराज के आने की उम्मीद कम होती जा रही थी। कैलाश को लगता है उसे कोई और रास्ता ढूंढना होगा, पर इतने में कैलाश के कानों तक एक अलग ही आवाज सुनाई देती है। कैलाश उस ओर देखता है। कैलाश को दूर दो परछाई दिखती है जो उसकी तरफ
हवा में तैरती हुई बढ़ रही थी। कैलाश चौकन्ना होकर अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। वो दोनों परछाई किसी और की नहीं, राजा अमीराज के दो रक्षकों की थी। वहां आते ही वो दोनों कैलाश के सामने खड़े हो जाते हैं और आसपास अपनी नजरें फेरते हुए देखने लगते हैं। कुछ देर मुआयना करने के बाद उनमें से एक अपने हाथ को उठाता है और कुछ ही क्षण बाद अमीराज खुद कैलाश के सामने आकर खड़ा हो जाता है। कैलाश का प्लान काम कर गया था और ओली का राजा अमीराज कैलाश के सामने खड़ा था। कैलाश को देखते हुए अमीराज कहता है, देखने में तुम राजा दक्ष के बेटे तो नहीं दिख रहे हो। कैलाश अमीराज को ही देख रहा था। काफी देर बाद कैलाश जवाब देता है, मैं कैलाश ही हूं। मैंने अपना असली रूप छुपा रखा है। मुझे डर था कि यहां आपकी खिलाफत कर रही शक्तियां मुझे पहचानते ही मार देंगी, इसीलिए मैंने एक बूढ़े का बेस बना रखा है। क्या कहना चाहते हो, कहो, अमीराज कैलाश से पूछता है। कैलाश को समझ नहीं आता कि वो शुरू कहां से करे। कैलाश बोलता है, महाराज मैं यहां आपकी मदद करने आया हूं, क्योंकि वाक के षड्यंत्र की खबर अंगिरा तक पहुंच चुकी है और इसके पहले कि वो आपको युद्ध में हरा कर ओली की सत्ता हथिया लें, मैं यहां आपकी मदद करने आया हूं। मैं आपको वाक से कहीं ज्यादा शक्तिशाली बना सकता हूं। अमीराज के गार्ड्स कैलाश को शक भरी निगाहों से देख रहे थे, पर उसकी बात सुनकर उन्हें कैलाश पर हंसी आ जाती है। अमीराज को भी कैलाश का आत्मविश्वास देखकर हैरानी होती है। वो कहते हैं, तुम्हें सही खबर मिली है कैलाश, कि मेरा भाई मुझसे मेरी सत्ता छीनना चाहता है, पर तुम पूरी तरह सही नहीं हो। तुम्हारा यह सोचना कि वाक मुझे युद्ध में हराकर मुझसे मेरी सत्ता छीनना चाहता है, यह गलत है। मुझसे युद्ध किए बिना ही ओली की सत्ता वाक के कदमों में होगी और मैं एक पत्थर की मूर्ति बन किसी चौराहे पर खड़ा कर दिया जाऊंगा। कैलाश को अमीराज की कही बात समझ नहीं आती है। मैं कुछ समझा नहीं, बिना युद्ध के आपसे वो सत्ता कैसे छीन सकता है? अमीराज गहरी सांस लेता है और अपने गार्ड्स की ओर देखता है, जिसके बाद दोनों अपना सर झुकाकर कई कदम पीछे हट जाते हैं। अमीराज ने यहां भी शॉल ओढ़ रखी थी, जिसे वो अपने कंधों से हटा देता है। कैलाश को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता जो वो इस वक्त देख पा रहा था। कैलाश के कदम अपने आप अमीराज की ओर बढ़ जाते हैं और उसकी नजर सिर्फ अमीराज के एक हाथ पर होती है। आगे बढ़ते हुए कैलाश अमीराज से पूछता है, यह आपके लेफ्ट हैंड को क्या हुआ है? इसका रंग पत्थर की तरह कैसे हो गया? अमीराज दुखी होकर मुस्कुराता है और कैलाश से कहता है, मैं यूं ही नहीं कह रहा था तुमसे कि मुझे पत्थर बनाकर कुछ दिनों में किसी चौराहे पर खड़ा कर दिया जाएगा। धीरे धीरे मेरा शरीर पत्थर बन रहा है और इसी के साथ मेरे हाथों से सिर्फ ओली की सत्ता ही नहीं जा रही है, बल्कि मैं अपनी मौत की तरफ भी बढ़ रहा हूं कैलाश, और इससे मुझे कोई नहीं बचा सकता। मेरा अंत तय है। अमीराज ने कैलाश के सामने अपनी जिंदगी का एक भयानक सच रख दिया था। कैलाश सोच भी नहीं सकता था कि अमीराज का भाई वाक किस तरह का इंसान था। सत्ता के लालच में उसने अपने भाई को इतनी डरावनी मौत दे दी थी। क्या अमीराज हर पल मरता जा रहा था? क्या कैलाश अमीराज को इस पत्थर सी जमती मौत से बचा पाएगा, या फिर बेबस होकर वापस अंगिरा लौट जाएगा? आखिर कैसे बचाएगा कैलाश अंगिरा को आने वाले खतरों से? कैलाश की इस एडवेंचरस लाइफ के और भी बेहतरीन और रोमांचक लम्हों से सराबोर कहानी के बारे में जानने के लिए जुड़े रहिए पॉकेट एफएम के साथ।